हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों, लगातार हिंदी की क्लासेज आपकी चल रही हैं और उसी क्रम में जो नेक्स्ट क्लासेज आई है हमारी, वो है आपका चैप्टर कारक। देखिए, कारक जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और सभी जो तथ्य हैं उनकी जानकारी आपको बारीकी से होनी चाहिए। अन्य एग्जाम के लिए भी यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कारक है, सबसे पहले समझते हैं किसे कहा जाता है कारक। देखिए, कारक के लिए मैं हमेशा से ही आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 से 10 मिनट का आपका वीडियो होगा, उसी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। 1 घंटे आपको इसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी टॉपिक को इसी तरीके से ईजीली आपको समझाया जा रहा है। ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, मुख्य तथ्य उठाए जाएंगे केवल। तो कारक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका संबंध सूचक शब्द। देखिए, संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें बोला जाता है आपका कारक। संबंध किसके द्वारा किसका जोड़ा जाएगा यह बात होती है। तो ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो आपका क्रिया से जोड़ा जाएगा, क्रिया से। तो संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया के मध्य जोड़ा जाता है, जिन शब्दों से, उन्हें बोला जाता है कारक। तो कारक मेनली क्या है? संबंध जोड़ने वाले शब्द हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, से, काकी, के, रेरी, में, पर, हे, अरे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ पर समझना यह महत्वपूर्ण है कि कारक जो है संबंध जोड़ने वाले शब्द हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कारक के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है कि कारक क्या है या किस तरीके से, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें यह पूछा जाता है एक वाक्य देकर कि आपको जो है यह बताना है कि कौन सा कारक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कारक जो होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों, यह 8 प्रकार के आपके होते हैं कारक। अब केवल हमें इस चैप्टर में यह समझना होगा कि कारक की पहचान कैसे करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपको सिखाया जाएगा उसी पर आधारित, तो उनके भी आंसर आपको देने हैं। काफ़ी कम बच्चे उनके आंसर दे पाते हैं, मुझे इस चीज़ का खेद है। यदि आपकी कोई तथ्य समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या बीएड से संबंधित आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे संबंधित हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियो को भी वॉच करें। बीएड से संबंधित सभी बारीक से बारीक जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस संबंध में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए डाले हैं और कार्य लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। 2 से 4 दिन में लगभग 50 से 100 प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाले जाएंगे, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां पर जाकर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, एक हर्ष की बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए वीडियो के अंतर्गत तो ये आपका जो देश का फाइटर पायलट आपका पकड़ा गया था पाकिस्तान के द्वारा और वो वापस आ चुके हैं, 1 मार्च को पाकिस्तान के द्वारा उन्हें छोड़ा गया है, तो सभी का अभिनंदन नाम था उनका और हम उनका अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, जय हिंद उन्हें हम कहना चाहेंगे। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कारक। कर्ता कारक, देखिए कर्ता कारक का जो संबंध है वो ने के द्वारा होता है, अर्थात कर्ता जो भी होता है आपका उसको ने के माध्यम से क्रिया से जोड़ा जाता है। यदि किसी वाक्य में ने आता है कर्ता के साथ तो समझ लीजिए उसमें कर्ता कारक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राम ने मुझे क्यों मारा, यह यदि वाक्य है राम ने मुझे क्यों मारा, तो देखिए यहाँ राम के साथ जो ने शब्द जुड़ा हुआ है
यह संकेत है कि इस वाक्य में जो है आपका कर्ता कारक है। जिस शब्द में भी संज्ञा या सर्वनाम के क्या साथ जो है ने जुड़ा हुआ होगा वहां पर आपको केवल कर्ता कारक लगाना होगा। एक अन्य एग्जाम देखते हैं कि मोहन ने मुझे सॉरी कुछ और ले लेते हैं, मुझे इस वाक्य में आ चुका है मोहन ने अंडे खरीदे। देखिए मोहन ने अंडे खरीदे तो यहाँ भी ने शब्द आया हुआ है वाक्य में और ने शब्द आया है तो यहाँ पर होगा आपका कर्ता कारक। तो आसानी से आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट होता है आपका कर्म कारक। देखिए कर्म कारक की जो पहचान है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्म कारक में आपका क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जिस शब्द में भी को दिखाई दे वहाँ पर सोचने का तथ्य है क्योंकि को शब्द जो है आपके लिए यहाँ पर कर्म के लिए यूज होना चाहिए। राम ने अंडे को खा लिया। देखिए राम ने अंडे को खा लिया, यदि कर्ता के साथ ने है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह देखने वाला शब्द है, यदि को आया हुआ है तो इस ने को नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं मानेंगे, को पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और को के कारण इसको लिया जाएगा आपका क्या लिया जाएगा आपका कर्म कारक। यहाँ पर आपका होगा कर्म कारक क्योंकि यहाँ पर क्या है को आया हुआ है, अंडे को खा लिया। तो कर्म कारक को समझ लिया होगा आपने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हरी ने मोहन को 10 रुपये दिए। देखिए हरी ने मोहन को 10 रुपये दिए तो यहाँ भी ने भी आया हुआ है लेकिन यहाँ पर को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो को के कारण यह वाक्य भी क्या होगा कर्म कारक। तो कर्म कारक को भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है कर्म कारक। देखिए कर्म कारक में आपका जो एग्जाम्पल लेते हैं उसके माध्यम से हम इसे समझते हैं। से देखिए से इस वाक्य में आएगा और से के लिए हम जो लेते हैं यहाँ पर अपादान कारक में भी देखिए से वाक्य आएगा लेकिन इन दोनों का अंतर हम जब समझेंगे जब हम अपादान कारक पर आ जाएंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कर्म कारक के लिए जो हमारे कुछ शब्द कुछ एग्जाम्पल हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मैं लेना चाहूँगा सीता ने कपड़े साबुन से धोए। देखिए सीता ने कपड़े जो है साबुन से धोए, ने यहाँ पर भी आया है लेकिन मैंने आपको बताया है केवल ने वहाँ पर ही देखा जाना चाहिए जहाँ पर अन्य शब्द ना आए पूरे वाक्य में। तो ने को यहाँ पर भी छोड़ना होगा और से पर ध्यान देना होगा और कपड़े को साबुन से धोए यानी कि से आया हुआ है तो यहाँ पर होगा आपका कर्म कारक। देखिए कर्म कारक को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा ने सीता से 100 रुपये लिए। देखिए मीरा ने सीता से 100 रुपये लिए, सीता के साथ क्या आया हुआ है से, तो यहाँ पर भी आप समझ चुके होंगे से आया हुआ है और यहाँ पर क्या काम हो रहा है लेने का काम हो रहा है अर्थात सीता से रुपये लिए तो यहाँ पर भी आपका से होगा। अब देखें से यहाँ पर भी आता है कर्म कारक में और से अपादान कारक में भी होता है। तो यहाँ पर पहले अपादान कारक समझ लेते हैं ताकि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो क्लियर हो सके। तो अंतर भी देखना होगा और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ जो है से जो आएगा वो अपादान अर्थात किसी वस्तु के अलग होने के कारण आएगा तो यहाँ पर अलग होने का बोध होगा। क्या होगा अलग होने का बोध कराएगा वाक्य। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूंगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष से
पत्ते गिरते हैं। से यहाँ पर भी आया है, लेकिन से यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ जो है यहाँ पर पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। तो इसमें क्या होगा आपका अपादान कारक होगा, आप सभी समझ रहे होंगे। यदि मैं कहूँ मुझसे 100 रुपये छीन लिए, देखिए मुझसे 100 रुपये छीन लिए, तो यहाँ पर भी से आया हुआ है, लेकिन 100 रुपये जो है छीन लिए, यानी कि अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है यहाँ पर क्या आएगा आपका अपादान कारक। तो दोनों का अंतर आपने ध्यान से समझ लिया होगा, सोच लिया होगा, और आशा करता हूँ कि भविष्य में यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान अर्थात किसी को दान देना, अर्थात किसी को कुछ देना, वो होता है आपका संप्रदान। तो संप्रदान कारक के नाम से ही आपका स्पष्ट हो चुका है, किसी के लिए कोई कार्य करना, किसी को कोई देना, और उसके लिए कुछ आता है शब्द के लिए या को, तो वहाँ पर होता है संप्रदान। संप्रदान देखिए को यहाँ पर भी आया था, लेकिन कोई अगर यहाँ पर इस वाक्य में आता है किसी को कुछ देने के लिए, तो वहाँ पर होगा आपका संप्रदान कारक। मेरे को उसने 10 रुपये दिए, देखिए मेरे को उसने 10 रुपये दिए, तो अर्थात मुझे दिया जा रहा है कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा संप्रदान। सीता के लिए पुस्तक खरीदी, देखिए सीता के लिए पुस्तक खरीदी, किसी और के लिए कार्य किया जा रहा है, किसी और के लिए जो यहाँ पर दिया गया संप्रदान की भावना यहाँ पर दर्शाती है, के लिए शब्द आया है, और यहाँ पर वाक्य होगा आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत होगा। तो आपने संप्रदान कारक को भी ध्यान से समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं संबंध कारक की ओर। देखिए संबंध के नाम से ही स्पष्ट है, दो जो हमारे होंगे किसी ना किसी वाक्य के अंतर्गत, जब ये शब्द संबंध के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पर होता है आपका संबंध कारक। देखिए यह मेरी पुस्तक है, यानी कि पुस्तक का और मेरी री शब्द आया हुआ है यहाँ पर, रा रे री से भी आप समझ सकते हैं, का के की से भी आप समझ सकते हैं, मेरी पुस्तक है, तो यानी कि संबंध बताया गया है, और यहाँ पर वाक्य होगा आपका संबंध कारक में होगा। यदि बात की जाए मीरा मेरी पत्नी है, देखिए मीरा मेरी पत्नी है, तो यहाँ पर भी संबंध बताया गया है, मीरा का खुद से संबंध बताया गया है, और री शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। यदि इस वाक्य को हटाया जाए मीरा मोहन की पत्नी है, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं की लगा देता हूँ, तो यह की शब्द भी संबंध बताने का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा आपका संबंध कारक होगा। तो ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, इन शब्दों के द्वारा भी पहचान की जा सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात यह होती है कुछ शब्द अन्य वाक्यों में भी आते हैं, तो उनमें क्या अंतर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो वाक्य है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत किस तरीके के वाक्य आते हैं जिनमें में या पर आता है। देखिए मैं कहूँ कि राम जंगल में है, देखिए राम जंगल में है, में शब्द आया हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका अधिकरण कारक। यदि मैं कहूँ सीता पर राम का अधिकार है, देखिए सीता पर राम का अधिकार है, तो यहाँ पर भी आपका पर शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक को भी आपने आसानी से समझ लिया होगा, और दो उदाहरण हमने इसके दिए हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक की मुख्य पहचान जो है वो होती है आपकी विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको चिन्ह भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विस्मय बोधक जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। यदि मैं कहूँ हे राम
और उसके बाद इस तरीके से चिन्ह लगा हुआ हो और जो भी वाक्य आगे लिखा हो आप, तो इस तरीके के वाक्य में यदि आपको इस तरीके का कोई चिन्ह दिखाई देता है वहाँ पर आपको संबोधन कारक होगा और संबोधन कारक के लिए ये जो सबसे अच्छी पहचान है ये है आपके विस्मय बोधक चिन्ह। तो आपने आसानी से 8 के 8 जो हैं कारक के प्रकार आपने समझ लिए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन किस प्रकार से हैं इसमें आपको बताने होंगे कारक, कौन सा कारक इस प्रकार के वाक्य में है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कारक उपस्थित है। पहला क्वेश्चन है हरि ने राम को मारा, तो हरि ने राम को मारा इस वाक्य में आपको कारक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाज़ पर नहीं जाना चाहिए, जहाज पर नहीं जाना चाहिए तो आपको कारक की पहचान करनी है और दोस्तों इसके आंसर ज़रूर देने हैं। वह मुझे प्यार से देखता है, प्यार से देखता है तो इस वाक्य में भी आपको कारक बताना होगा। अरे वह चला गया, अरे वह चला गया इस वाक्य में भी आपको कारक बताना है। वृक्ष से फल तोड़ लिए, वृक्ष से फल तोड़ लिए तो यहाँ पर भी आपको कारक बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वाक्य है मेरी और मधु की क्लास है, मेरी और मधु की क्लास है तो यहाँ भी आपको वाक्य में कारक बताना होगा। नेक्स्ट देखते हैं वह मेरे लिए खिलौने लाएगा, तो ये 7 क्वेश्चन हैं, आप सभी इनका आंसर ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।